बीजेपी द्वारा जो जीएसटी लागू होने के एक वर्ष पर जश्न मनाया गया है, जो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएसटी लागू कर देश की जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। इससे जहां देश के व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है, वहीं रोजगार के साधनों पर भी ब्रेक लग गई है। पैसे का फ्लो कम हो गया है, जिससे रुपए की रिकॉर्ड कीमत नीचे चली गई है और बीजेपी के नेता इस सारे घटनाक्रम का जश्न मना रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भोरस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले जो वायदे देश की जनता के साथ किए थे, वह चार साल में पूरे नहीं हो सके हैं। काले धन का शोर मचाने वाली भाजपा सरकार के वित्त मंत्री अब मान रहे हैं कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन काला नहीं है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के साथ प्रदेश सरकार के अब तक की कार्यकाल को भी निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हमें आए तो सारा धन वापस लेके आएंगे और 15-15 लाख हर किसी के खाते में जाएगा। आज वो 15 लाख तो दूर, काला धन वापस लाना तो दूर। इन चार वर्षों में स्विस बैंकों के अंदर जो भारतीयों का धन था वो बढ़कर दुगना हो गया, और अब देश के वित्त मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि स्विस बैंकों में रखा गया सारा धन काला धन नहीं है। तो अब वो काला धन कहां गया? भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता दरअसल जो दो मुआ सांप होते हैं वैसे हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो मुद्दों के प्रति इनका रुख, इनका रवैया, इनकी राय कुछ और होती है, और जब सत्ता में आते हैं तो उन्हीं विषयों के ऊपर, उन्हीं मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख, रवैया और नीति बदल जाती है। इसलिए मैंने कहा कि दो मुंह वाला सांप है, जब विपक्ष में होते हैं तो चेहरा दूसरा, जब सत्ता में आते हैं तो चेहरा विपरीत। तो भारतीय जनता पार्टी आज, क्योंकि देश के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए देश को धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे लोगों के साथ, देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, उनसे उनको पूरा नहीं किया, उनके उल्ट काम किया। अब उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी गाय का मुद्दा लेके आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आते हैं। पिछले चुनावों में जिन्ना की तस्वीर को मुद्दा बना दिया इनके लोगों ने, जैसे चुनाव खत्म हुए वो तस्वीर का मुद्दा, जिन्ना का मुद्दा गायब हो गया। तो देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट कर जो देश के सामने असली समस्याएं हैं, असली मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो देश के अंदर कर रहे हैं। लेकिन मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूं कि देश की जनता बड़ी परिपक्व हो चुकी है, और जितने उपचुनाव इस देश के अंदर पिछले दिनों में हुए, उन सब में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगियों को देश की जनता ने सबक सिखाया है, और जो लोकसभा के चुनाव आने वाले समय में होने जा रहे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो ये हथकंडे अपना रहे हैं ये फलीभूत इनके होंगे नहीं, और प्रजा का सामना हिन्दुस्तान के अंदर करना पड़ेगा।